देखिए, जो लैग कैनानम है, ऐसे लोगों की बेहतरीन दवा है जिनको लगता है कि मेरे जीवन में सबसे खराब स्थिति चल रही है और इससे खराब और नहीं हो सकता है। उनकी डिजीज इनक्योरेबल हो चुकी है और होपलेस हो चुके हैं कि अब कुछ होने वाला नहीं है, यानी सब कुछ खराब चल रहा है। देखिए, क्लियर लिखा है कि एवरीथिंग सीम सो डार्क, यानी सब कुछ अंधेरा है चारों तरफ, किसी तरफ से रोशनी नहीं आ रही है। दैट इट कैन ग्रो नो डार्कर, यानी इतनी खराब स्थिति चल रही है कि इससे और खराब नहीं हो सकती है। अगर ऐसा लगने लगे, किसी का भी माइंड सेट अगर ऐसा है, तो उसके लिए लैग कैनानम एक इंडिकेटर सिम्टम्स हो सकता है। और सब कुछ इसके जो जीवन के सर्वाइवल के लिए जो बेहतर कंडीशन होती है, लगता है कि खराब हो गई हैं। मार्केट में जाता है तो सामान खरीदता है, पैसे देता है, लेकिन सामान लाना भूल जाता है। ऐसे कई लोग मिलते होंगे आपके आसपास नियर बाय, तो अब्सेंट माइंडेड, फॉरगेटफुलनेस, यानी भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी हो गई है। देखिए, वेरी फॉरगेटफुल अब्सेंट माइंडेड मेक परचेज एंड वॉक अवे विदाउट देम, यानी खरीदा, पैसे भी दिए, लेकिन बिना उस सामान को लिए हुए आ गए। एक बार हो तो चलता है, बार बार ऐसा हो रहा है। जैसे पैसा दिए उसको 100 रुपए, सामान लिए 80 रुपए का, 20 रुपए दुकानदार से लेना ही भूल गए, वापस चले आए। तो इतना फर्क, ऐसी स्थिति है तो लैग कैनानम उस व्यक्ति की हेल्प कर सकती है। और वेरी नर्वस, कैन नॉट कंसेंट्रेट माइंड टू रीड स्टडी वर्क, यानी इतना दिमाग में अव्यवस्था चल रही है कि ब्रेन को कंसंट्रेट नहीं कर पाते पढ़ने के लिए या फिर कुछ काम करने के लिए। किसी भी काम में उनका जो माइंड है एकत्रित होके बेहतर तरीके से फोकस नहीं हो पाता है। चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़े हो, अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो भी डोमेन किसका है? लैग कैनानम का। और डिस्पोंडेंट होपलेस थिंक हर डिजीज इज इनक्योरेबल, इतना डिस्पोंडेंट होपलेस है मतलब निराश हो चुके हैं कि लगता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, मेरी बीमारी भी ठीक नहीं होगी। इतना डार्कनेस है, डार्कनेस मतलब अंधेरा नहीं, डार्कनेस मतलब सर्वाइवल के लिए जितनी संभावना है वो कम हो गई है, दैट इज डार्क, डार्कनेस। तो इस तरह से लगता है कि कुछ भी अब मेरी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है, एकदम आइसोलेट रहता है, बात बात पर रोने लगता है। थोड़ी देर आप बात करेंगे तो इतना जल्दी इमोशनल हो जाता है कि रोने लगता है। और व्हेन वॉकिंग सीम टू बी अक्विन एयर, जैसे जब चलता है तो जैसे लगता है कि जमीन पर पैर पड़ ही नहीं रहे हैं, एयर में चल रहे हैं, या फिर अभी इवन बिस्तर पर सो भी जाता है तो भी लगता है कि बिस्तर से थोड़ा सा ऊपर बॉडी है, बिस्तर को टच ही नहीं कर पा रही है। तो इन सब अव्यवस्थाओं भरे सिम्टम्स की ओरिजिन अगर माइंड में है, अगर ऐसा प्रतीत होता है, तो अगर ये सिम्टम्स पांचों मिल गए तो समझ लीजिए आपकी बीमारी होम्योपैथी से ठीक होने वाली है। लेने का तरीका सिंपल सा है कि अगर ऐसे मेंटल सिम्टम्स माइंड में आयल डोज लीजिए, देखिए बेहतर रिजल्ट दिखता है होम्योपैथी का। तो आप लाइक कैनानम थर्टी, चार बूंद केवल सुबह लीजिए, सुबह रविवार को, यानी 7 दिन में रिपीट कर सकते हैं। रिपीट फ्रिक्वेंटली न करें, एक ही डोज में बेहतर रिजल्ट आता है लैग कैनानम का। तो सुबह मिले सिर्फ ओनली संडे को, संडे इन द सेंस कि 7 दिन का गैप रखना है। तो
होम्योपैथी बेहतर रिजल्ट देती है अगर रोगी के यानी जो पेशेंट है उसका सिम्टम्स बीमारी के सिम्टम्स से मैच करता है। तो देखिए इस तरह के कई लोग दिखते हैं कि एकदम निराश हो चुके हैं, कुछ भी नहीं होता, अब्सेंट माइंडेड है, सामान लाते हैं, लाने जाते हैं तो पैसा या तो भूल चले जाते हैं या फिर सामान, और लगता है कि उनको कुछ होने वाला नहीं है, इससे खराब स्थिति नहीं हो सकती है जीवन में। मिल जाएंगे कुछ लोग, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, और अगर उनकी हेल्प हो पाई तो वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा बात समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।